नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनुपाकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राज कपूर और कृष्णा राज कपूर की शादी का है। कृष्णा मल्होत्रा संग सरकारी बंगले में हुई थी, रीवा के सरकारी बंगले में राज कपूर की शादी, और पिता पृथ्वीराज से एक बेहद खास तोहफा मिला था। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राज कपूर ने अपनी फिल्मों और अपने अंदाज से हिंदी सिनेमा में एक जबरदस्त पहचान बनाई थी। राज कपूर को हिंदी सिनेमा का शोमैन भी कहा जाता था। फिल्म आग से बॉलीवुड में लोकप्रियता हासिल करने वाले राज कपूर ने न केवल बतौर एक्टर काम किया बल्कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया था। साल 1946 में राज कपूर ने रीवा के आईजी की बेटी कृष्णा मल्होत्रा से शादी की थी। उनकी शादी यूं तो बड़े ही शानदार अंदाज में हुई थी। साथी पिता पृथ्वीराज कपूर ने भी उन्हें शादी की रात एक बेहद खास तोहफा दिया था। कृष्णा मल्होत्रा के पिता करतार सिंह मध्य प्रदेश के रीवा के आईजी थे। एक बार पृथ्वीराज कपूर तीनों बेटों के साथ अपनी नाटक कंपनी को लेकर रीवा गए थे। इस दौरान कृष्णा के पिता और पृथ्वीराज में काफी गहरी दोस्ती भी हो गई थी। यहीं राज कपूर की मुलाकात कृष्णा मल्होत्रा से हुई। राज कपूर से मुलाकात के 2 महीने के अंदर अंदर ही उनकी शादी हो गई। शादी के लिए राज कपूर की बारात मुंबई से रीवा गई थी और समारोह रीवा के एक सरकारी बंगले में आयोजित हुआ था। दोनों की शादी को लेकर यहां तक कहा जाता था कि उस वक्त की हुई भव्य शादियों में से ये एक शादी थी। पृथ्वीराज कपूर ने शादी की रात अपने बेटे और बहू को एक खास तोहफा दिया था। पृथ्वीराज कपूर ने राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा को तोहफे के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि दी थी, वही गीतांजलि जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे और बहू को एक खत भी दिया था जिसमें उनकी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां लिखी हुई थी। कृष्णा मल्होत्रा और राज कपूर की पहली मुलाकात के बारे में उनकी बेटी रीमा जैन ने एक इंटरव्यू में बात की थी। उन्होंने कहा था कि पापा प्रेमनाथ अंकल के साथ अपनी दुल्हन को देखने गए थे। उन्होंने खिड़की से देखा कि सफेद साड़ी पहने एक लड़की जिसने बालों में मोंगरा लगाया हुआ था, वो सितार बजा रही थी। वो मेरी माँ थी जो कि संगीत सीख रही थी। माँ को देखते ही पापा को माँ सरस्वती की याद आ गई और वो अपना दिल हार बैठे। और इसके बाद रीवा के सरकारी बंगले में पूरी भव्यता के साथ ये शादी समारोह हुआ। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।